इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, इत्तेहाद न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज मैं मौजूद हूँ सना शाहीन स्टूडेंट्स और उनके ट्रस्टी मेंबर्स के साथ, जो आज एक अनोखा इजलास किया है इन्होंने कि सभी किम्स के मरीज़ों को मीलादुन्नबी के मौके पर बात किट बांटे जा रहे हैं। इसी के सिलसिले से आज बात करेंगे मोहम्मद हुसैन मलगी साहब जो चेयरमैन हैं उनसे। आप बताइए इस इजलास का मकसद क्या था? ये बस इसी वी वांटेड, अब जो है रसूल खुदा जो है हमारे, उन्होंने जो गरीबों के लिए जो ये करते थे उसके लिए हम यहाँ मरीज़ों के लिए, गरीबों के लिए हेल्प करने के लिए, वो लिहाज से हम आके यहाँ उनको दुआ भी किए और उनको प्रेजेंटेशन भी दिए। और अशरफ अली साहब जो मेन ट्रस्टी है इस इदारे के, आज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमें शाहीन पीयू साइंस कॉलेज में डॉक्टर्स को पैदा करने के लिए कोशिश हो रही है, नीट को क्रैक करने के लिए, ताकि ये बच्चे जो है किम्स हॉस्पिटल में गरीबों के साथ मिले, पेशेंट्स को मिले, उनको एहसास करें मतलब कि बच्चे गरीबी कैसे होते हैं, उसके लिए यहाँ लेके आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन, उन सारे पेशेंट्स और उनके अटेंडेंस को हम लोगों ने बच्चों के हाथ से बात किट दिए। क्लीनलीनेस जो है बहुत बड़ा पैगाम है, क्लीनलीनेस पाकी तो आधा ईमान है, तो उनके लिए टॉवल्स, टूथब्रशेस, साबुन, टूथपेस्ट, ये सब आइटम्स का बात किट्स जो है प्रोवाइड किए। शुक्रिया। हाँ, दरअसल ये कि शाहीन जो इंस्टीट्यूट है एजुकेशन पे तवज्जो देती है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह जो देखें, मेडिकल सीट जिसने हासिल किए हैं शाहीन ये तो है, मगर हम इस विजिट के ज़रिए ये बच्चों में पैगाम देखना चाह रहे थे कि एजुकेशन के अलावा खिदमत खल भी इस्लाम में एक बड़ा मुकाम रखता है। अभी ये बच्चे इंशाल्लाह फ्यूचर में डॉक्टर होंगे, उनके अंदर अभी से ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि मर्ज़ का दर्द क्या होता है, इंसान की खिदमत कैसे करनी चाहिए। और यहाँ पर चंद ऐसे मरीजों भी बच्चों को दिखाए जिनका कोई नहीं है, लावारिस पेशेंट्स हैं जिसके माँ बाप वगैरह कोई नहीं, चंद पेशेंट्स को हमने यहाँ पर सुबह देखा कि यहाँ पर उनको छोड़ के चले गए हैं, ऐसे पेशेंट से भी हमारे बच्चे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उनका ऊपर असर रहा है। दरअसल ये खिदमत खल का जज्बा पैदा करने की कोशिश थी है, आइसोलेशन वार्ड भी लेकर गए जहाँ पर चंद अफराद तो जाना पसंद भी नहीं करते, हमने इस तरह उनके वार्ड में ले जाके अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश की है हम लोगों ने। सना शाहीन के प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर यूसुफ सर आज वो अपनी राय जाहिर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऐसे प्रिंसिपल, मुझे ये बोलना है कि बच्चों को काली एक्चुअली दुनियावी एजुकेशन नहीं है, ये दीनी एजुकेशन नहीं है, दुनियावी होना ऐसे, और मेन इंटेंशन इज़ टू मेक देम डॉक्टर्स, पर उससे पहले उनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। लगद कान लकुम फी रसूलिल्लाह हुसवतुन हसना, रसूल की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है, वो नमूने के एक मॉडल हमारे बच्चों को एक्चुअली दिखाने के वास्ते उनके पैदाइश के दिन ये एक प्रोग्राम रखे हैं। तो एक खाली डॉक्टर बने तो बस नहीं है, उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनना है, इसलिए जैसा हुजूर की ज़िंदगी कैसे थे तो कैसा है वो हमेशा के लिए हमारे लिए एक नमूना है, उसका एक नमूना दिखाने के वास्ते हमारे बच्चों को कॉलेज से बाहर एक्चुअली ये हॉस्पिटल को ला के उनको दिखाए। माई सेल्फ साक्षी ठाकुर, आई एम द सिंगल हिंदू इन दिस कॉलेज, बट आई एम वेरी प्राउड टू बी इन दिस कॉलेज। आई हैव saw many experiences in this college. Today I'm very glad and happy because my parents are there with me. I have seen many patients inside who doesn't have anyone, but I'm very happy today and I'm very glad to be in this Sana Shaheen PU Science College. In Sana Shaheen College, myself Uzma Sheikh, and I'm very thankful to the management and the staff of the Sana Shaheen that they gave me an opportunity to see the other aspects of a life, and it gave me a great lesson today. And the learning is not enough by the books, and the practical learning is the best thing. We could inspire anyone could inspire these things, and I thank my management and my staff. Thank you. What are the things you have done today? Today actually we seen the how the life is
how the life was the other patient. There was, for some patients, there were no anyone who can take their care, and there was some patients who had really don't have anyone there in this world, and they know their suffering, and they know they don't know the other, they know the value of the life, and till today we didn't knew the value of life. Now we got to know, and we thank the Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We got to know many things over here that we were not doing before. We met some patients. They were very, means their condition was not good. They were not having any family. They were not having money, nothing to eat. They were not having anything. But in this hospital, we saw some patients who are suffering from many diseases. Then we happy pray for themselves. That's it. What is your future aim? I want to be a doctor. By seeing this, now I want to be a doctor. Chance to indulge into things that we don't have, and we got to see people who are really suffering in hospitals today. And so today, as a part of celebrating Meeladunnabi, we decided to celebrate it differently and to donate to the poor, and not to the poor, but to the sick. We went and we visited the sick, and we gave them these care packages with simple necessities, and we donated approximately 200 of them. For giving us this opportunity to really give back to our society and to get to follow our deen and our practices and to really give back to our society and work for hereafter. What is your future aim? My future aim is to go into a medical field, probably like biotechnology, but I think as today I learned some of the core values I should have as a person as well, apart from my educational goals.